के सूबाई वजीर अजमल चीमा की जानिब से अशाया जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के MNAs MPAs ने शिरकत की। अरकान को पंजाब और विफाक के खिलाफ सख्त बयानबाजी से रोक दिया गया। वजीर आला पंजाब और फवाद चौधरी से मुलाकातों पर तबादला ख्याल भी किया गया। मजीद अपडेट्स लेंगे कजाफी भट, हमारे साथ मौजूद हैं। जी कजाफी भट, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस मीटिंग के अंदर, इस अशाइये के अंदर तमाम सूरत हाल को पर गौर किया गया और जो जराए उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन की जानी से तमाम अरकिन को ये हदायत की गई है कि वो वजीर आला सूबे और वफाक के खिलाफ किसी किस्म के भी सख्त बयानात मत दें और इस मामले के ऊपर कूल डाउन रखें। जो तहकीकात की जा रही हैं उसके ऊपर भी एतमाद का इजहार किया गया। अब मुलाकात के अंदर वजीर आला पंजाब की जानिब से जो वादे किए गए थे उन पर भी तबादला ख्याल किया गया और ये बताया गया कि तमाम जो अरकीन असेंबली हैं उन्होंने अपने जो तरक्याती स्कीमें हैं वो वजीर आला पंजाब को दे दी हैं और उम्मीद है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। इस बात का भी फैसला किया गया कि ग्रुप जो है अपनी इंफरादी शनाख्त जो है वो बरकरार रखेगा और असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर जो है वो अपनी शनाख्त के हवाले से इंटरव्यूज भी देंगे, बात भी करेंगे, लेकिन वफाक और सूबे के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी। इजलास के अंदर ये भी तय कर लिया गया कि हर माह जो है एक रुकन की जानिब से जोहराना या इशाया दिया जाएगा और हफ्ते के अंदर एक बार मीटिंग का इनेकाद करके तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा और जब तक जहांगीर तरीन का केस अदालत में है तमाम अरकिन उनके साथ अदालतों में जाएंगे। जी अच्छा कजाफी भट, ये भी बताइएगा कि अगर इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से टफ टाइम दिया जाता है तो क्या ये हुकूमत को भी प्रेशराइज कर सकता है ये ग्रुप? तो तमाम चीज़ों के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है, लेकिन ये राय भी पाई जा रही थी कि अगर हुकूमत की जानिब से, जिस तरह के आपने पूछा भी, कि अगर कोई सख्त रद्द अमल का इजहार आया तो फिर इसके ऊपर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला किया जाएगा। ताहम अभी तक जो सूरत हाल है उसके ऊपर जहांगीर तरीन की जानिब से भी और ग्रुप के बेशतर अरकान की जानिब से, जिनके अंदर नुमान लंगड़ियाल भी शामिल हैं, अजमल चीमा और सईद अकबर नवानी खसूसन, उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया है और ये तय किया गया है कि वो किसी किस्म के ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे कोई बदमजगी या बद एतमादी की फजा पैदा हो। तमाम सूरत हाल को जरूर मॉनिटर किया जाएगा। जो तहफ्फुज़ात वजीर आला के सामने रखे थे अगर उनको दूर किया जाता है और जिस तरह के वादे किए गए हैं तो फिर ग्रुप जो है वो हुकूमत के साथ चलेगा, लेकिन मामला के ऊपर गौर किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो वादे किए गए हैं उनको किस हद तक पूरा ठीक है। कजाफी भट, बहुत शुक्रिया आपका।